अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़े मज़े की मटन की जो रान है वो राइस के साथ बनाते हैं। सऊदीया में इसको मंदी भी बोलते हैं और पाकिस्तान में भी जैसे पुलाव बनाते हैं और साथ में ये रान का गोश्त बनाते हैं। तो चले आएँ ये यमी यमी मज़े की गर्मा गर्म डिश तैयार करते हैं। आइए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। मटन को कट लगा के मैंने कुकर में या जिस भी देगची में आपने डालना है डाल दें। ये पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने इस हड्डी को तोड़ के और फिर डाला। अब पानी मैंने इतना डाला जिसमें ये पूरा गोश्त जो है वो डूब जाए। अब मसाले देखें कौन कौन से डालने हैं। यहाँ पे मैंने जो लहसुन है वो 1.5 इतना लहसुन ये मैंने छील के ये रख दिया है। अब अदरक ये मैंने इस तरह से स्लाइसिस काटे हैं क्योंकि ये बाद में मुझे गोश्त से ये निकाल लेने यखनी से, तो ये इतना मैंने पीस लेके उसके स्लाइसेस किए। और ये 4 सब्ज़ मिर्ची हैं ये अब हम गोश्त में डालेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। इसको 15 से 20 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। जो बाकी मसाले हैं अब उनमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास साबुत धनिया है, ये हमारे पास जो है वो लौंग है, कुछ थोड़े पिसे हुए हैं और कुछ साबुत हैं इसमें ज़रा मिक्स हो गए हैं। ये जायफल जावित्री है, ये हमारे पास मोटी जो इलायची है वो है, ये हमारे पास सौंफ हैं थोड़े से, थोड़ी दालचीनी, तेज़पत्ता और ये तेज़पत्ता है थोड़ा, ये हमारे पास काली मिर्च है, ये ज़ीरा है। बस ये सब तकरीबन हमने एक एक चम्मच जो है एक छोटी चम्मच वो ली है। एक बड़ी चम्मच एक टेबलस्पून नमक भी लिया। यहाँ पे इसको पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ से इसको निकालते हैं गोश्त को। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने फॉइल लगा दी। यहाँ पे मैं इसको निकालती हूँ। ये इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने ये ज़ाफ़रान का पाउडर ये 2 चम्मच लिया है। अब ये जो यखनी है हमारी जो गोश्त की ये मैं इसमें थोड़ी डालूँगी। इसमें मैं 1 चम्मच नमक और ऐड करूँगी। अब इस सारे को मैं जो हमारा मटन है रान है उसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह इसकी साइड उल्टा के दूसरी तरफ भी डालते हैं।
फॉइल के साथ अब इसको रैप कर लेती हूँ। रैप करके अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया 180 डिग्री पर और इसको हम एक घंटे के लिए अवन में रख देते हैं। इसको हम एक घंटे के बाद फिर निकालते हैं। चावल बनाने के लिए ये मैंने 2.5 कप चावल 3 पानी से धो के ये भिगो दिए हैं। इसको भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया और यहाँ पे मैंने ये एक बड़ी प्याज और एक ये छोटी, ये दो प्याज मैंने ऐसे काट के रखी हैं। ये बड़े देखिए में मैंने घी डाला है, घी अब गर्म हो गया। इसको ज़रा डार्क ब्राउन कर लेते हैं। हाफ़ प्याज हमने देखचे में छोड़ दिया और हाफ हमने अलग से प्लेट में निकाल दिया। ये एंड पे हम जब करेंगे गार्निश करेंगे उस टाइम ये इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ हमने यखनी यहाँ पे अलग कर लिए और ये जितना मसाला जो मटन के अंदर था वो हमने अलग कर लिया। अब ये यखनी हम लोग जो राइस बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल पुलाव की तरह अब हम राइस बनाने शुरू करते हैं। प्याज के अंदर हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पे यखनी डालने का या पानी डालने का मकसद ये होता है कि प्याज का कलर निकल आए, यानी चावलों का फिर कलर जैसा ये प्याज का कलर आता है चावलों का कलर से उसी लिहाज से बनता है। यहाँ पे अगर आप स्पाइसी चाहे राइस को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़े से आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं बनाना चाहते स्पाइसी ज़्यादा ना हो बिल्कुल पुलाव वाला हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ डालने की मसाले वगैरह। इसमें ये एक बड़े साइज का टमाटर ये डाल दी। टमाटर इतने सॉफ्ट हो गए। अब जो यखनी है हमने क्योंकि 2.5 कप चावल लिए हैं ऐसे तो मैं इसका डबल डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम डालेंगे और 2 कप के लिहाज से पानी डालेंगे क्योंकि बाकी दम में वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 कप के हिसाब से 4 कप पानी डालूंगी, यानी जितने चावल हैं उसका हमने डबल डालना है। साथ ही मैं 1 बड़ी चम्मच नमक भी डाल दूंगी। अब इसको जैसे ही एक बॉयल आता है तो हम चावल इसमें डाल देते हैं, तब तक हम चावलों को छान लेते हैं पानी से निकाल लेते हैं। पानी उबल चुका है अब इसमें चावल डालते हैं। इनको ढककर पकाते हैं 15 से 20 मिनट तक। चावल पानी में उबाल आ गए। अब इसी स्टेज पे हम इसका थोड़ा सा पानी लेकर ये चेक कर लेंगे कि आया नमक पूरा है कि नहीं, क्योंकि नमक अगर हमने और डालना है तो वो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने टेस्ट कर लिया बिल्कुल नमक पूरा। अब बस मैं इसको ढक दूँगी और इसको जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं होता मैं इसको कुक करूँगी। जितनी देर में चावल पक कर तैयार होते हैं मैंने यहाँ पर ये नींबू लेके उनको ऐसे काट लिया है। ये पुदीना है, धनिया है और ये मिर्चें जो मैंने यखनी में से निकाल लिए और ये 2 और मैंने इस तरह अंदर से ऐसे स्लाइसेस की तरह इस तरह से काट के और वो तैयार कर लिए हैं। ये प्याज हमारी ब्राउन हुई हुई पहले से तैयार है। ये सारी चीज़ें हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये चावल तैयार है। मैं ज़ीरा 1 चम्मच वो हाथ पे इतना हाथ पे ऐसे ले के उसका थोड़ा मसल के वो मैं डाल दूँगी। साथ ही जो मैंने ये
नींबू काट के रखे हुए, नींबू अरेंज कर दिए मैंने, जो सब्ज मिर्ची है, ये डाल दी। धनिया पुदीना भी मैं नहीं डालूंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी जो प्याज है फ्राई हुई भी, वो मैंने डाल दी। और थोड़ी मैंने डिश पे ऊपर डालने के लिए वो छोड़ दिए। इस पे मैं ढक्कन लगा दूंगी, ऊपर मैं वज़न रख दूंगी और नीचे मैंने आँच चूल्हे पे मैं तवा रख देती हूँ। और इसको 15 से 20 मिनट का दम लगा देते हैं। यहाँ पे ये राइस दम से उतार दिया, बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको मटन के साथ सर्व करते हैं। ये हमने ओवन से निकाल लिया, देखिए बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है गोश्त, अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसको सर्व करते हैं।